सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र में तमाम तैयारियां हो चुकी है। विपक्ष जो है वो सरकार से तमाम सवाल जवाब करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि पहले से ही मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी कि इस बार सरकार को किन किन सवालों पर घेरना है। और कई सवाल जो है वो सदन में उठ भी रहे, चाहे वो शराबबंदी हो, शराब की बॉटल्स मिलने की बात हो, या फिर जातीय जनगणना को लेकर के बात हो। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार जो है वो लगातार घिरती जा रही है। लेकिन कल जो विधानसभा का सत्र हुआ, जी हाँ, जो बीता हुआ कल जो विधानसभा का सत्र हुआ वो काफी जबरदस्त रहा। आपको बता दें कि बुधवार को जिस तरीके से सरकार की सदन में किरकिरी हुई है, शायद ऐसी किरकिरी पहले कभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि ये किरकिरी ना सिर्फ विपक्ष ने की है बल्कि सत्ता पक्ष ने भी मिलकर के सरकार को घेरा है और सरकार की बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष तक ने ये कह दिया है कि इस सरकार पर भरोसा करना मुश्किल है, यानी कि इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही है, और वो भी विपक्ष की तरफ से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात कही गई है। आपको बता दें, जो मुद्दा उठा था वो मुद्दा था सदन में इंजीनियर का। इंजीनियर ने करोड़ों रुपए के घोटाले को कह सकते हैं कि अंजाम दिया था, और इसी बात को लेकर के सत्ता पक्ष जो था वो सरकार से तमाम सवाल जवाब कर रहा था, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष के साथ ही साथ विपक्ष भी साथ में खड़ा हो गया। आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा किरकिरी हुई। इंजीनियर ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, और इसी को लेकर के बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सरकार को घेरा, और इसके बाद उस मुद्दे को लेकर के पूरा का पूरा विपक्ष जो था वो संजय सरावगी के साथ खड़ा हो गया। हंगामे के दौरान ये भी कहा गया कि हमें इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी पूरी जांच जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। आखिरकार अंत में विधानसभा स्पीकर जो विजय सिन्हा है उनकी तरफ से उन्हें बीच में कहना पड़ा। हालांकि मंत्री जी जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दे रहे थे, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, वो साफ ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पास सही उत्तर जो है, सही आंसर जो है वो नहीं है। सो विधानसभा स्पीकर को आखिरकार में उन्हें ये कहना पड़ा कि उनकी तरफ से समिति गठित की जाएगी। और फिर यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि समय में है, कम समय में 60 लाख रुपया उसके यहाँ जो है रिकवरी हुई, और 28 अगस्त की घटना थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया। दो महीना तक उसको विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया, नंबर वन। नंबर टू, 68 लाख रुपया उनके यहां रिकवरी हुआ तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई, और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार योग्य पाए जाने के बाद भी प्रश्न को, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अस्वीकार योग्य उनका जो हमसे शो काउस किया गया वो भी अस्वीकार योग्य था, तो जो अस्वीकार योग्य होने के बाद भी फलस्वरूप जो है अभी तक निलंबन की एक छोटी सी जो कार्रवाई होती है, निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई, और 2 महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके, और 2 महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया, और 2 महीने के बाद 28 अक्टूबर को पहले पूछा हूँ कि प्रभार 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया, और अस्वीकार योग्य उनका शोक था उसके बाद भी अभी तक निलंबन उनको कम से कम निलंबन क्यों नहीं किया गया, और प्रभार मुक्त कब किया गया है, मैं पूछना चाहता। माननीय मंत्री, आप शांति से सुनिए, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? अरे शांत, आप शांति से सुनिए पहले। हाँ, क्या प्राप्त होगा? विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि 2 महीने बीत चुके और जब उनके साथ सच पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की गई है महोदय। क्या अवगत कराइए सदन को उसके ऊपर जो है।
अब शांति से सदन सुनिए। वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे, इसके बाद उस बीच में चुनाव भी चल रहा था, पंचायत चुनाव भी चल रहा था। नहीं, ये अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी, इस पर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। लाख रुपया दो स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में, तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी दो महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और दो महीना के बाद दूसरे को चाल दिया। अध्यक्ष महोदय, नहीं है वो दो महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे स्थान दूसरे लोगों को पदस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर FIR दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। अवध बिहारी चौधरी।